नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी एल्विश यादव की। स्नेक बाइट और स्नेक वेनम तस्करी के आरोप झेल रहे एल्विश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अब एल्विश की प्रोफाइल खंगालनी शुरू कर दी है और जल्द ही पुलिस बड़ा एक्शन भी ले सकती है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं। एल्विश के सर्पलोक में दाखिल होगी पुलिस। प्रोफाइल की पड़ताल जारी, अब गिरफ्तारी की बारी। कब तक बचेगा सपेरों का बॉस? इल्जाम लगा दिया हमें तो भाई वो मेनका गांधी जी ने, हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर। एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीजों में, पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, नहीं कर दे करके छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें चीजों में, बट जब इमेज खराब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज खराब हुई। गुरुग्राम के राव साहब यूपी में पूरे फंस गए। रील से शोबाजी तक शोहरत कमाने वाले एल्विश का सबसे बुरा दौर शुरू हो चुका है। वजह है रेप पार्टियों में स्नेक वेनम सप्लाई और इस गिरोह से एल्विश के संबंध। FIR तो पहले ही दर्ज हो चुकी है, अब बारी गिरफ्तारी की है। एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। नोएडा पुलिस एल्विश का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है, इसके अलावा प्रोफाइल भी चेक किया जा रहा है। आपको बता दें, अब तक नोएडा पुलिस के हाथ कुछ तस्वीरें लगी हैं, कुछ वीडियोस लगे हैं जिसमें एल्विश सांपों के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि सपेरे और स्नेक वेनम तस्कर पहले ही एल्विश का नाम उगल चुके हैं। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं। यानी एल्विश लाख सफाई पेश कर रहा हो, लेकिन सच से उसका सामना होना तय है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सेक्टर 49 थाना पुलिस ने 9 सांपों के साथ 5 सपेरों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद FIR में एल्विश का नाम सामने आया। इसके बाद एल्विश फरार बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक एल्विश ने नोएडा पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया है। हालांकि नोएडा पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। नोएडा पुलिस लगातार उन रेप पार्टियों का डेटा भी इकट्ठा कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि एल्विश यादव उन किसी रेप पार्टी में मौजूद थे या नहीं। रेप पार्टी में अगर उनकी मौजूदगी मिलती है तो आने वाले वक्त में एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि एल्विश के खिलाफ एक NGO ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, सारी चीजें शेयर करूंगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। पुलिस भी बोलेगी, रिलीज भी होगी प्रेस स्टेटमेंट कि एल्विश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी प्लीज देखना। और जो जो शेयर कर रहे हैं ना, एल्विश यादव ने ये करा वो करा, वो प्लीज उसको भी शेयर करना, आई रिक्वेस्ट यू। दोगलापन मत दिखाना कि मेरी खराब इमेज तो दिखा दी, वो शेयर तुम्हारा भाई है बिल्कुल सही, थोड़ी टेंशन हो जाती है। वैसे आई एम ऑल राइट, आई एम सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जांच में पता चला कि दिल्ली NCR की रेप पार्टियों में स्नेक बाइट और स्नेक वेनम की सप्लाई की जाती थी और इसके तार एल्विश यादव से जुड़े हैं। सवाल ये है कि अगर एल्विश इन सब में शामिल है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी? नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और बात करते हैं लखीमपुर खीरी के लफजहादी जाहिद की, जिसकी हरकतों ने एक बच्ची की जान ले ली और लखीमपुर खीरी में बवाल हो गया। आरोप है कि जाहिद ने फरेबी इश्क में फंसाकर छात्रा का वीडियो बनाया, फिर धर्म परिवर्तन नहीं करने पर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन किया, हंगामा और आगजनी की। लव, सुसाइड और फसाद, छात्रा की मौत पर लखीमपुर में फसाद।
क्या लव जिहादी के घर पर चलेगा बुलडोजर? और जो मेरे बड़ी फांसी दी जाए जोई दत्तर को, मेरी बहन को इंसाफ मिले, उसके घर पे बुलडोजर चले, दुकान पे बुलडोजर चलाए, घर पे भी बुलडोजर, दुकान पे भी बुलडोजर चलाए जाए। मैं ये चाहती हूँ, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं, मेरी बहन की तरह इंसाफ करो। प्रदर्शन हंगामा आगजनी लाठी चार्ज ये मंजर है लखीमपुर खीरी का, जहां लव जिहादी ने अपनी साजिश में फंसाकर एक हिंदू लड़की को मौत चुनने पर मजबूर कर दिया। छात्रा के सुसाइड की खबर जैसे ही इलाके में फैली, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और शुरू हो गया वो बवाल जिसकी उम्मीद पुलिस को भी नहीं थी। आरोपी जोहिद अख्तर ने पहले नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बना डाला, उसके बाद जब धर्म परिवर्तन के लिए गुड़िया नहीं मानी तो जोहिद ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, जिससे आज गुड़िया ने अपनी जान दे डाली। अब जरा इन तीन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जिसमें लाश को सड़क पर रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन और हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। दूसरी तस्वीर उसी दौरान की है, लेकिन बवाल यही नहीं थमा। तीसरी तस्वीर देखिए, जिसमें भीड़ ने आरोपी की दुकान को आग के हवाले कर दिया। मामला उग्र होता देख डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश शाह समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब जरा उस लव जिहादी को भी पहचान लीजिए जिसने साजिश रची और इतना बड़ा बवाल हो गया। नाम जाहिद अख्तर, उम्र करीब 30 साल, काम लव जिहादी, आरोप सुसाइड के लिए उकसाना, अश्लील वीडियो बनाना, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना। जोहिद अख्तर ही वो आरोपी है जिसने पहले नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि पहले धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया, जब छात्रा धर्म परिवर्तन के लिए नहीं मानी तो उसका छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। छात्रा की मौत का कारण अश्लील वीडियो ही बना। सारे विवाद की शुरुआत इसी वीडियो के बाद हुई, लेकिन इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसे जान लेना बहुत जरूरी है। करीब एक साल पहले संपूर्ण नगर लखीमपुर खीरी, यहाँ रहने वाली गुड़िया पास के ही स्कूल में हर दिन पढ़ने जाया करती थी। उसने तमाम सपने देखे थे, वो हंसमुख थी, लेकिन उसके सपनों को नजर लग गई एक लव जिहादी की। जाहिद अख्तर अपने शिकार की तलाश में स्कूल के आसपास घूमा करता था, तभी उसने नाबालिग गुड़िया पर अपना प्रेम जाल फेंका और प्रेम के फरेब में फंसा लिया। आगे जो कुछ हुआ उसकी कहानी परिवार की जुबानी ही सुन लीजिए। परिवार का आरोप है कि जाहिद ने साजिश के तहत नाबालिग गुड़िया को अपना शिकार बनाया। जोहिद अख्तर के इरादे साफ थे, वो घर से निकलता था, इसके नाम पर अपने जिहादी इरादों को लेकर घर से निकलता था। उसके इरादे गुड़िया पर जाके पूरे हुए थे, जिसने अभी तक दुनियादारी देखी नहीं थी, ना ही वह लव जिहाद के जिहादी जाहिद के खौफनाक इरादों से वाकिफ थी। जाहिद पर आरोप है कि उसने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल किया, लेकिन इससे पहले उसका मकसद कुछ और था। जोहिद और उसका परिवार चाहता था कि गुड़िया इस्लाम धर्म कबूल कर ले, लेकिन जब गुड़िया ने उनकी बात नहीं मानी, बात ना बनता देखते हुए जोहिद ने अपने घिनौने कारनामे को अंजाम दे डाला, जिससे गुड़िया और उसके घर वालों की इज्जत तार तार हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद गुड़िया के सामने मौत ही आखिरी नजर आई और उसने मौत को चुन लिया, लेकिन सवाल ये है कि गुड़िया को मौत के मुंह में
धकेलने वाले जाहिद जैसे लव जिहादियों पर क्या FIR ही काफी है? क्या साजिश के तहत? यार रुक गए, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।